जय शंकर जी किसान भाइयों, आज हम मिलाने वाले अपने राजस्थान के अच्छे ब्रीडर से। तो इनका नाम सुरेश जी जाट है और ये हमारे अच्छे मित्र है। तो आप सभी को इनका परिचय करवाते हैं और जानते हैं कि ये कैसे डेयरी फार्मिंग करें और कैसे नेपियर की बुआई करते हैं। ये सारी चीज़ों की आप क्लिप बनाएंगे अलग अलग। अभी हम इनसे इनका परिचय जानते हैं और इनके बारे में जानते हैं, इनकी कैसी जर्नी रही और इन्होंने क्या क्या अपने डेयरी फार्म में किया है। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश जाट है, बोरखेड़ा तहसील हुड़ा जिला भिलवाड़ा राजस्थान। कहने मतलब मेरे अभी मैंने मैं पुश्तैनी काम ही है कि डेयरी का ही था, परंतु अभी कहने मतलब हम ऐसे यूट्यूब पर देख देख के इनको प्रोत्साहन कर रहे हैं कि जैसे अच्छी नस्ल हो गई और अच्छा खान पान हो गया, तो इनके लिए जानकारी जुटा कर अपन खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो अभी कहने मतलब ये अभी फीड बहुत महंगा हो गया, अपने खुद को भी फीड ही अपने खुद को ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि एडिशनल तो अपन खेती खेती और पशुपालन दोनों ही प्रायोरिटी है, क्या ना, खेती के बिना पशुपालन अधूरा है, पशुपालन के बिना खेती अधूरी है। तो ये सभी हम इनको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। नेपियर एक हराचार ऐसा है अभी, कहना मतलब ट्रांजेक्शन फीड के लिए फोडर के लिए काम आता है। अभी अभी सब चारे हरे अभी लास्ट स्टेज पे, तो अभी नेपियर सबसे बेस्ट हरा चारा है। रेगुलर 365 दिन मिलता है और आप सभी किसान भाई उनको भी लगाना चाहिए। तो आप जो नेपियर की खेती कर रहे हैं, नेपियर को बोया कब से बोया और अपने पशु को कितने टाइम से आप खिला रहे हैं? आपके पशु भी स्वस्थ हैं और तगड़े दिख रहे हैं। तो अभी मैंने 2-3 साल हो गए, 3 साल पहले ही लगाया था और मेरे अभी फार्म पूरा 100% नेपियर से ही चल रहा है। रेगुलरली साइलेज भी बना रहा हूँ। मेरे अभी एक बड़ा बहुत त्रासदी हुई कि FMD आ गया, मेरे तीनों स्टेज वाला FMD आया, तीन ही बार अलग अलग वेरिएशन आ गया। वो डॉक्टर की वजह से है, मैं कहना मतलब कोरोना एक महामारी आई तो वो एक वो फ्लू है, वैसे ही एक FMD डिजीज है जो अलग अलग फ्लू, जैसे डॉक्टर आया मेरे एक बार कंप्लीट हो गई, फिर बाद 20-25 दिन बाद वापस आया तो वो फिर अलग डिजीज आ गई सेम वो FMD में, फिर वापस आ गई। तो मेरे अभी कहना मतलब 7 काप जो इम्पोर्टेंट सीमन की थी WWS की, तो वो सभी कहना मतलब डेथ हो गई उनकी। अब सब गाय मिल्किंग बिल्कुल ऐसे अस्त व्यस्त हो गए, माइंड में हट गया कि अपन नहीं करेंगे, परंतु तो मैंने सोचा कि क्या काम करते हैं, अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि दूध का काम ही सबसे बेस्ट है, सुबह शाम इनकम होती है, तो पैसे लगाते हैं तो जैसे ब्याज भी देता है, प्रॉफिट भी शाम को मिल जाता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यही करूँगा अब। और बिजनेस में जैसे अपन अभी कोई बिजनेस मैन 5 साल तक लगाता है कोई भी काम को, तो अपन कहना मतलब अपन लेबर की तरह शाम को इनकम चाहिए, वो सिस्टम हटाना पड़ेगा। अपन को 1-2 साल बढ़िया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनकी रिक्वायरमेंट पशुओं की समझनी पड़ेगी, तो उसमें कहना मतलब लगातार अपने इनकम बढ़ेगी। और गोबर पे गौमूत्र अभी बहुत ज़्यादा इसका चल रहा है, ऑर्गेनिक खेती हो गई, तो ये इसे हो जाएगा कहना मतलब। आप जो किसान भाई निराश हैं, हताश हैं कि हम डेयरी फार्मिंग नहीं कर सकते, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है, मोटिवेशनल उदाहरण मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये इनके पास 6 जो बछड़ियाँ थी इम्पोर्टेड सीमन की, वो FMD आने के बाद मर गई है, फिर भी ये हताश नहीं हुए और रेगुलर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और ये आगे भी इसको बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा ये नेपियर है, उसको जगह जगह इन्होंने सेलिंग भी करते हैं, ये होम डिलीवरी पहुँचा रहे हैं। आप इनसे सीख सकते हैं कि कैसे अपन डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। इनके पास मिल्किंग मशीन है, वो भी आपको बताएंगे कि ये मिल्किंग मशीन है, डबल बकेट वाली मिल्किंग मशीन है। तो ये मिल्किंग मशीन है इनके पास, कौन सी कंपनी की है? डी लेवल कंपनी, वर्ल्ड 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 क्लास प्रोडक्ट है, मेड इन स्विट्जरलैंड है। कहना मतलब इसमें कोई मल्टीटास्क कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मिल्किंग मशीन ज़्यादा मिल्किंग पे जाओगे तो अपन जैसे 15-20 किलो दूध पर टाइम की निकालती है, तो आज से अपन संभव नहीं है। तो कहना मतलब उसका वो दूध ऑलमोस्ट रिलीव होता है तो 6 मिनट के अंदर दूध निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा है कि मिल्किंग मशीन ही लेकर आ जाऊँ। और अभी क्या है कि अभी दूध की रेटें भी बढ़ने वाली गर्मी है, और अभी मैं 6-7 पशु अभी खरीदना भी चाह रहा हूँ, इसी मंथ डाल दूंगा मैं। अभी खेती का काम चल रहा है, गेहूं कट रहे हैं, तो इसलिए अब प्लानिंग है कि अब करना ही है, सिस्टमेटिक करेंगे और इनकी सुविधा रिक्वायरमेंट है। अभी क्या है कि अभी वो धारणा है कि किसान भाइयों के लिए एक अच्छा उदाहरण दे कि
किसान भाई जो नए डेयरी फार्म में आना चाहते हैं वो कैसे डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं? सर के अभी अपन स्टार्टिंग करनी है अपने को दो गाय से। पहले अपन दो गाय लाएंगे तो उसमें जो भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो अपन नए पशु में अपन नहीं होगी, तो ऐसे दो दो गाय, चार चार गाय, दो दो तीन तीन मंथ में लेके आनी। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो अपने को कहना मतलब आराम से विलेज से जुड़ा हुआ है। अभी शहरों में बहुत इसका अलग पेटेंट से कर रहे हैं, अलग अलग तरीका है दूध बेचने का। मैं तो 30 रुपये किलो दूध बेचने का संभव हूँ, 30-35 रुपये। तो अपना खुद का हरा चारा होगा तो संभव है, खुद का फीड बनाएंगे। यही चीजें चाहिए अपने जानवर को, और खुद ब्रीडिंग करेंगे तो कोई पशु बीमार भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ मेरे ये गाय जो पर इलेक्ट्रेशन छठे बैत भी गाएगी, हर बैत में मेरे को 6,000 लीटर दूध दिया। वो गाय कहने वाले उसका कैलकुलेशन करे तो बहुत ज्यादा होता है। सभी किसान भाइयों को बोल रहा हूँ कि अपन दो गाय से पशु को स्टार्ट करें, आपको अच्छी इनकम हो, कम से कम 10 लीटर का पशु लें आप। जय संघ के किसान भाइयों, ये ग्राइंडर मशीन है जो 1 घंटे के अंदर 4 क्विंटल तक प्रोडक्शन देती है। किसान भाइयों, बाजार में मिलने वाले महंगे जो फीड है उनसे बचकर आप ऐसे ग्राइंडर मशीन लाएं जो एक चक्की नहीं, ये ग्राइंडर मशीन है जो 1 घंटे के अंदर 4 क्विंटल तक दाना बनाती है। और इसके बारे में हम अपने सुरेश जी भाई साहब से जानेंगे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं और कैसे किसानों को लेनी चाहिए और ये कहाँ मिलेगी किसान भाइयों को। दोस्तों मैं गया कि गुजरात गया एक स्मॉल डेयरी फार्म है, 15-20-30 पशु के लिए अच्छा प्रोडक्ट है। कहना मतलब इसमें 3 mm जैसे जाली चेंज करेंगे वैसे निकल जाएगा। कॉटन सीड भी इसमें ग्राइंड कर सकते हैं। कहना मतलब डेयरी के जो सब आते हैं, खली आ गई और मक्का आ गया, मोटा अनाज आ गया, तीनों का रेशा होता है। कहना 30% मक्का मोटा अनाज हो गया, 30% खली हो गई, 30% दलहन हो गई। तो ये यार 10% जो मिनरल मोलालिसियस यानी गुड़ आ गया, नमक और ये मिलाना होता है। तो ये एक फीड का यही रेशियो होता है, सभी कंपनियां घुमाती है। इसके लिए सीधा सिंपल कहानी है, आप इसको एनर्जी इसको काउंट करके बनाते हैं तो इसमें 3 mm का दाना निकलता है जो गाय को बहुत ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जो चाय की पत्ती के समान होता है। जो जो कहना मतलब पशु कहना मतलब ज्यादा इसमें पाउडर टाइप भी नहीं होता है ना, तो ये कहना 3 mm का दाना होता है, सभी भी ये सेम ऐसे ही निकल जाता है कहना मतलब। तो अगर किसान भाइयों को ये कटर की जरूरत पड़ेगी तो किसान भाई ये कटर कहाँ से अवेलेबल होगा कटर, ये आप बताइए जरा। ये हमारा कांटेक्ट नंबर डाल देना जो हम बता देंगे, कहीं से कहीं पे भी मिल जाएगा। ये मैंने गुजरात से मंगवाया था, और नंबर दे देंगे, नंबर डाल देंगे कंपनी। ये पंखा है कहना मतलब एग्जॉस्ट अपन सादे फैन लेते हैं तो कहना मतलब ऊपर से गर्म गर्म हवा आती है, तो मैंने देखा कि नीचे से हवा के लिए एग्जॉस्ट बनाया मैंने। तो ये एक मोटर ले ली मैंने, नौकर ली, और ये जुगाड़ बना के मेरे को कहना मतलब 2,200 रुपये में ये 60 फीट हवा देता है कहना मतलब रेगुलर। इधर टर्निंग अच्छा हवा नीचे से पशु के हवा क्रॉस होती है, तो कहना मतलब गर्मी पशु के नीचे होती है, ऊपर नहीं होती है। अच्छा तो ये मेरा तो बार बार लगता है।